जय माता दी। दोस्तों तपोभूमि क्लासेस में मैं देश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और आज का एग्ज़ाम कैसा आया, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस थे, आगे की स्ट्रेटजी हमको कैसी रखनी चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पर मैं एक एग्ज़ाम रिव्यू का वीडियो लेक्चर डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। इस लेक्चर में दोस्तों 19 अगस्त 2017 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम देखेंगे। दोस्तों मैंने काफ़ी जगह से सर्च किए और कुल 48 प्रश्न मुझको मिले। कुछ और भी क्वेश्चंस मिले थे लेकिन दोस्तों वो क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि आखिर क्या पूछा गया होगा, क्योंकि लिखने में प्रॉब्लम होती है, किसी को ध्यान करने में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बनाया गया एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ प्ले स्टोर पर जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन का एग्ज़ाम एनालिसिस सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों जीएस के मुझे 30 क्वेश्चंस मिले हैं, साइंस के 9 क्वेश्चन मिले हैं और मैथ के 9 क्वेश्चन मिले हैं। दोस्तों रीजनिंग के कई और क्वेश्चंस मिले तो थे लेकिन मैंने रीजनिंग के क्वेश्चंस लिखे नहीं हैं, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी सरल क्वेश्चंस ही थे और एग्जैक्ट डाटा लोगों को मालूम नहीं था। दोस्तों जीएस का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आरबीआई की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी को मालूम है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है तो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित पहली शिफ्ट में ये प्रश्न आया था और दूसरी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित आया था। तो दोस्तों आप लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये सारी चीज़ों से संबंधित क्वेश्चंस कवर कर लीजिए, क्योंकि अब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे अगली शिफ्ट्स में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने किया है। दोस्तों ओरछा में ये जो चतुर्भुज मंदिर है ये काफ़ी फेमस मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 15 साल का समय लगा था, 1558 से 1573 के बीच में इसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण राजा मधुकर के द्वारा किया गया था। चौथा प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रतीक चिन्ह पर लिखा ध्येय वाक्य क्या है। तो दोस्तों जो भारत का प्रतीक चिन्ह है उस पर जो ध्येय वाक्य लिखा है वह है सत्यमेव जयते। दोस्तों इससे रिलेटेड पूरा आप पढ़ लीजिए कि ये जो अशोक चक्र है इसमें तीलियां कितनी होती हैं, इनका ये क्या प्रदर्शित करती हैं, भारत का राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान कब बना, कब, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न आया है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो दोस्तों सुशासन दिवस हर 25 दिसंबर से मनाया जाना स्टार्ट हो गया है और ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के सलाहकार कौन है। तो दोस्तों केंद्र सरकार में हाल ही में जो वित्त मंत्रालय के सलाहकार हैं वो हैं अरविंद सुब्रमण्यम। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हमको इन सारे पूरा जो भी सरकार का ढांचा है उनके बारे में मालूम होना चाहिए। अगले पेपर्स में शायद कुछ मंत्रियों के लोकसभा सीट पूछ दी जाए, या फिर कुछ जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनकी विधानसभा सीट पूछ दी जाए, या फिर कोई इसी तरीके के ब्यूरोक्रेट्स के नाम पूछ दिए जाए। 1944 में बनी विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों जो विभाजन परिषद थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर है माउंट बैटन। लॉर्ड मैंने इसलिए काट दिया है क्योंकि ये अंग्रेजों के नाम के आगे लॉर्ड और लगाना मुझको पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आठवां प्रश्न हमारा, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29 राज्य हैं भारत में। अगला प्रश्न है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया है तो आप ये सभी चीज़ें ध्यान रखिए कि थल सेना अध्यक्ष कौन है, वायु सेना अध्यक्ष कौन है और जल सेना अध्यक्ष कौन है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिबांग अभ्यारण भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दिबांग अभ्यारण भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
ग्वालियर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? दोस्तों ग्वालियर जो है उसकी स्थापना राजा सूरज सेन के द्वारा की गई थी, जो कि एक संत थे, ग्वालिया उनके नाम पर इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों जो भी मध्य प्रदेश के जितने भी राजघराने हैं या फिर उनसे संबंधित जो भी इतिहास है उसको भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अगर ग्वालियर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो बाकी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 12वां प्रश्न की विदिशा किस नदी के किनारे पर बसा है? तो दोस्तों विदिशा बेतवा नदी के किनारे पर बसा है। दोस्तों ये प्रश्न आया है तो आप बाकी के शहरों से संबंधित भी जरूर पढ़ लीजिए, जैसे होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, या फिर छिप्रा किस नदी में जाकर मिलती है। तो जो नदियों के किनारे बसे शहर पढ़ लीजिए और नदी से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड वो पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अग्नि 5 का परीक्षण किस तट से किया गया? अग्नि 5 दोस्तों एक मिसाइल है भारत की, जो बैलिस्टिक मिसाइल है और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल भी है। दोस्तों इसकी जो रेंज है वो उत्तरी चीन तक हो सकती है, यानी लगभग 5000 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इसको उड़ीसा के तट से प्रक्षेपित किया गया था हाल ही में। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, लेकिन करंट अफेयर्स भी काफ़ी पुराना पूछा जा रहा है, एकदम हालिया करंट नहीं पूछा जा रहा। एक क्वेश्चन दोस्तों नरेंद्र मोदी से संबंधित किताब पर था, चाहे वो नरेंद्र मोदी अतुल तारे की किताब हो उससे संबंधित हो या फिर किसी और की किताब से संबंधित हो, नरेंद्र मोदी जी पर एक जो किताब लिखी गई है उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ है या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना बालचंद हरिश्चंद ने की थी और इसकी स्थापना दिसंबर 1940 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो आप बाकी के जो मतलब महारत्न कंपनियां हैं या फिर कुछ और भी इसी तरीके से उद्योग से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, विविध का प्रश्न है। अब आते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे। 16वें नंबर का प्रश्न है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बहुत चिन्ह है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, सबसे पहले 1948 से मनाना शुरू हुआ है। तो दोस्तों अब आप मानव अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोग और भी जो आयोग होते हैं महिला आयोग वगैरह वगैरह के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, इनके अध्यक्ष कौन है, इनका दिवस कब है, ऐसा ऐसा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का अफीम उत्पादक जिला है, एकमात्र जिला है मंदसौर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला। दोस्तों ये प्रथम न्यायाधीश पूछे गए हैं और भी जितने भी मध्य प्रदेश में प्रथम हैं और जो वर्तमान हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में अब पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 2016-17 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों किसी खेल विशेष में, हर खेल में अर्जुन पुरस्कार मिलते हैं, तो किसी स्पेशल खेल में पूछा गया होगा, लेकिन यहाँ जिसने ये क्वेश्चन बताया उनको क्वेश्चन याद नहीं था एग्जैक्ट, उनको केवल इतना पता था कि 2016-17 के अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगला प्रश्न है 1991 में वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों पहली शिफ्ट में वित्त मंत्रालय का सलाहकार पूछा गया था, तो दूसरी शिफ्ट में वित्त मंत्री पूछ दिए गए 1991 के। दोस्तों 1991 के वित्त मंत्री थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि मंत्रालय से संबंधित, वित्त मंत्रालय संबंधित पहली शिफ्ट में आया, तो तीसरी शिफ्ट में भी वही क्वेश्चन आया उसी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस वर्ष भारत पाक के बीच युद्ध नहीं हुआ? तो दोस्तों हमको पता है 3 बार युद्ध हुआ है, तो वो सन आपकी दी होंगी 3 ऑप्शन में, और एक सन ऐसी दी होगी जिस सन में भारत पाक के बीच युद्ध नहीं हुआ होगा, तो उसी पे टिक मारना था। अगला प्रश्न है दोस्तों बाढ़ सागर बांध का निर्माण किसके नाम पर पड़ा? बाढ़ सागर बांध का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो दोस्तों जो महर्षि बाण भट्ट थे उनके नाम पर बाढ़ सागर बांध का नाम पड़ा। तो दोस्तों जितने भी बांध हैं नदियों पर और खास तौर पर मध्य प्रदेश की नदियों पर, तो वो आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे छोटा बड़ा है वो आप जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कितने गांवों को
मध्य प्रदेश के कितने गांव को स्मार्ट गांव बनाने के लिए चुना है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। 60 गांवों को केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में स्मार्ट गांव बनाने के लिए चुना है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, 2014 का संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर समझ रहे हैं आप, करंट अफेयर्स तीन साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है कि 2014 का संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों ये मिला है श्री प्रभुनाथ द्विवेदी जी को, ठीक है दोस्तों। 2000 और बाकी के जो भी साहित्य जैसे कालिदास अकादमी पुरस्कार किसे मिला है और बाकी के जितने भी पुरस्कार हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड और देश से रिलेटेड भी, वो भी आप याद कर लीजिए। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, गुडविल दिवस किस प्रधानमंत्री को की याद में मनाया जाता है। तो ऐसा मैंने कहीं देखा है कि राजीव गांधी की याद में गुडविल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल हुआ। शायद ये प्रश्न दोस्तों इस तरीके से आया था कि 1983 में कौन सा अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ, इस तरीके से शायद आया था। तो 1983 इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर पहली बार राज्यों का विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1956 में, जिसके तहत मध्य प्रदेश का भी को भी अलग करके एक राज्य बनाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर 1956 है। अगला प्रश्न आया 29वां, निम्न में से कौन सी नदी कोलकाता शहर में बहती है। तो दोस्तों चार नदियों के नाम दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक कोलकाता में बहती होगी, तो शायद उसमें हुगली नदी बताई गई थी, तो हुगली आपका आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है जीएस पार्ट का दोस्तों, प्रयाग किस शहर का प्राचीन नाम है। तो दोस्तों आप सभी को पता है प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम है। तो आप बाकी के जो राज्य हैं जैसे उज्जैन हो गया और जो भी पुराने पुराने शहर हैं उनके प्राचीन नाम जरूर याद कर लीजिए। आते हैं दोस्तों विज्ञान के प्रश्नों पर। तो विज्ञान प्रश्न मिल पाए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग थे, चार पांच क्वेश्चंस और भी मिले थे तो मैंने वो नहीं लिखे, क्योंकि दोस्तों एग्जैक्ट क्वेश्चंस याद नहीं थे दोस्तों को और मुझे भी वो क्लियर नहीं हो पाए कि किस तरीके से पूछे गए होंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, एड्स निम्न में से किन कारणों से नहीं फैलता। तो दोस्तों उसमें चार ऑप्शन दिए होंगे, उन चार में से तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिनके कारण एड्स फैलता होगा, जैसे कि संक्रमित सुई लगाने से और यौन संबंध से, इन सभी से एड्स फैलता है। लेकिन उनमें से एक ऑप्शन था गले लगने से, तो गले लगने से एड्स नहीं फैलता, छूने से एड्स नहीं फैलता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, नाभिक चुंबक का प्रयोग किस प्रकार से करते थे। तो दोस्तों जो नाभिक होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उन वो दिशा निर्देशन के लिए चुंबक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चुंबक को अगर अपन किसी भी, अगर आप कंपास का एक यंत्र होता है कंपास, उसकी सहायता से वो चुंबक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चुंबक को अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो वो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर में आ जाती है, जिससे हमको क्या कहता है नाभिक को दिशा का मालूम चल जाता है कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हैजा किस वजह से होता है, और उसमें ऑप्शन थे जीवाणु विषाणु वगैरह वगैरह। तो जीवाणु की वजह से होता है और उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरा अंग्रेज, और इसका जो हैजा है ना, हैजा का नाम भी कॉलेरा रहता है इंग्लिश में। चौथा प्रश्न है, वह सुविधाजनक न्यूनतम दूरी जिस पर व्यक्ति अच्छे से अपनी आँखों द्वारा देख सकता है। तो दोस्तों ऐसी दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं तो 25 सेंटीमीटर की दूरी बना के रखें, है कि नहीं। इससे क्या है कि ये दूरी बढ़िया दूरी है, इससे अपनी आँखों को कोई टेंशन नहीं होती अगर अपन सामने कोई चीज़ देख रहे हैं। अब आते हैं पांचवे नंबर के क्वेश्चन पे। पांचवा प्रश्न है कि पीलिया शरीर के किस अंग को क्षतिग्रस्त कर देता है। तो दोस्तों पीलिया में आप सभी को पता है किडनी बस्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर किस अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर आप सभी को पता है चेन रिएक्शन होती है, नाभिकीय विखंडन होता है और उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में यह अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पुष्प में नर एवं मादा दोनों भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगी यानी दोनों लिंग हों, जिसमें कॉमन, उभय का मतलब कॉमन और लिंग नर और मादा दोनों हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों कि एल्कोहल के दहन से क्या उत्सर्जित होता है। कोई भी चीज़ हो उसके दहन से हमको ज़्यादातर केसों में ऊष्मा और प्रकाश ही मिलता है, तो अल्कोहल के दहन से भी ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। अब लेकिन कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन के दहन से क्या मिलता है, तो हाइड्रोजन का जब दहन होता है तो जल बनता है,
जो दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन आया जाता। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हो गए होंगे, उनमें से तीन ऊतक जो होंगे वो मनुष्यों के होंगे और एक ऊतक पशुओं का होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब दोस्तों मैं आपके सामने ला रहा हूँ गणित के 9 प्रश्न। तो ये गणित के 9 प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए, इनके लिए मैं एक लेक्चर रख दूंगा, वीडियो लेक्चर, जिसमें इन क्वेश्चनों को आसानी से, हर क्वेश्चन दोस्तों 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज़्यादा का एक भी क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अपन जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक लेक्चर बना दूंगा, तो वो भी आपको अभी मिल जाएगा 5-6 घंटे के बाद। तो आप टेंशन मत लीजिए, इन क्वेश्चनों को करके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। ये जो क्वेश्चंस हैं आज मैंने आपको बताए हैं, उन क्वेश्चन से रिलेटेड जीएस पढ़िए, साइंस पढ़िए और ये मैथ के क्वेश्चंस जरूर लगा लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, जो पैटर्न एक बार पकड़ लेता है व्यापम उसी पैटर्न पर रहता है हमेशा। तो दोस्तों ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए, साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हमारे एंड्रॉयड ऐप को शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए। धन्यवाद।